अलावा आप कहते हैं कि भाई बच्चों को जो है आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए मेरे बच्चों के, तो लेकिन परिवार में से जब दुख मिलते हैं तो आंसू अपने आप ही निकल आते हैं, कैसे होते हैं? परिवार में लगाव लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? लगाव के मतलब छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, छोड़ने की बुद्धि में बात बैठी नहीं है कि ऐसे परिवार हमने पता नहीं 84 जन्मों में कितने बनाए हैं। यही एक आखिरी जन्म का तम प्रधान दुनिया का परिवार हमारा है। अभी आत्मिक स्थिति पक्की नहीं हुई है इसका मतलब। आत्मिक स्थिति जब पक्की हो जाएगी तो 84 जन्मों का परिवार याद आएगा या सिर्फ एक ही से आखिरी तम प्रधान दुनिया का परिवार याद आएगा? 84 जन्मों का भी परिवार का कल्याण करना है या सिर्फ एक परिवार के पीछे ही लगा रहना है जो तमो प्रधान परिवार को देने वाले? प्रैक्टिस अभ्यास है तो बनते हैं। वैराग्य और जिग्रह थे, एक तो वैराग का भाव बार बार बुद्धि में लाना है। क्या वैराग तो आता है? वैराग आता है लेकिन अकेले वैराग से काम नहीं होगा। ये दुनिया खत्म होने वाली है नहीं, इस दुनिया को छोड़ना है, घर से परिवार से ये भी आना चाहिए कि प्रैक्टिस हमको करनी है। क्या देवहान की प्रैक्टिस हमने की है 63 जन्मों में, कोई दूसरे ने की है? कई बार ऐसा आता है कि सब कुछ छोड़ते हैं तो अकेले वैराग से कुछ थोड़ा ही होगा। वैराग तो देखो सन्यासियों ने कितना किया 63 जन्मों में, कितने सन्यासी निकले जो घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया? वो आधा पुरुषार्थ है। संपूर्ण पुरुषार्थ तब होगा जब उनको वैराग भी हो और साथ साथ अभ्यास भी हो, घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है अमृत मिलेगी, वो ही नहीं हो रहा उससे ही संतुष्ट नहीं है कोई। अमृत वेले की प्रैक्टिस जब फाउंडेशन वेला जो है मजबूत हो जाएगा तो हमारा अभ्यास भी पक्का होगा। सदैव हम समझेंगे अपन को आत्मा, और जब आत्मा याद रहेगी तो आत्मा के 84 जन्मों के जो 84 परिवार हैं उनका कल्याण बुद्धि में आ गया। सबसे पहले जन्म का जो ऊंचे से ऊंचे परिवार है जिसने हमको जन्म जन्मांतर का सुख दिया है तो उसका कल्याण करेंगे। ये तामसी जन्म का परिवार का कल्याण नहीं करेंगे, पहले किसका कल्याण करेंगे? जो पहले जन्म का संगम योगी परिवार है तो उसकी पहचान हुई है, है? तमो प्रधान दुनिया का जो परिवार है, संगी साथी है, देह के संबंधी है, साथ धोखे बाद हैं, धोखा देके चले जाएंगे। देह के सिंध हैदराबाद में हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, सात सात तालों के अंदर मेरी है लड़की, मेरी बहन है, फिर क्या किया? फिर छोड़ के भाग गए, फिर नहीं लिया, फिर कहाँ परिवार चला गया? तो झूठे साबित हुए या सच्चे? इस दुनिया का तो तमो प्रधान परिवार है, सच्चे साथी जो हैं, वो पहले जन्म के अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। जैसे राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, पहले जन्म से लेकर के अगले जन्मों तक भी वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं? कितने हैं? राम वाली आत्मा के जन्म जन्मांतर के साथी कौन हैं जो पहले जन्म में भी विशेष सहयोगी बनते हैं और 63 जन्मों में भी सहयोगी बनते हैं? नहीं है, है कौन है? जो सब बैठे हैं, फिर अष्टदेव कौन से हैं? अष्टदेव वो सब भूल गए, वो बहुत दूर की बात है। अष्टदेव अभी भी सहयोगी है, वो अभी भी उनको अपने परिवार का मोह नहीं है, लेकिन किसका मोह है? जब से ज्ञान में आए तब से उनको बाप का मोह है, बाप के सहयोगियों का मोह है, लेकिन अपने परिवार के जो देह के संबंधी है उनका मोह नहीं है। उनकी बात ध्यान में नहीं धरते, उनके डायरेक्शन पर नहीं चलते, बाप की पता न चली जाए ये बुद्धि में सदैव रहता है। हमारी लास्ट परीक्षा कौन सी है? नष्ट मुख। तो अष्टदेवों का भी मुख्य गुण कौन सा होगा? नष्ट मुख। जब से ज्ञान में आए होंगे
तब से लेकर अब तक भी कोई देहधारे के पीछे पागल होकर के नहीं फिरेंगे। किसके पीछे पागल होके रहेंगे? उनका जीवन देखा जाए, अगर ये बात उनके जीवन में है आज से लेकर के जब से ज्ञान में निकले, तो जरूर आश्चर्य में होंगे।